JLNMCH में डॉक्टरों पर एक बार फिर इलाज की लापरवाही का लगा आरोप। भागलपुर पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के डॉक्टरों पर एक बार फिर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। बांका जिले के रजौन के रहने वाले सुधीर कुमार की 8 साल बहन पूलन कुमारी की मौत हो गई, जिसको लेकर मृतका के भाई ने अस्पताल के बाहर घंटों हंगामा किया। मृतका के भाई का कहना है कि जब वह अपनी बीमार बहन को लेकर इमरजेंसी में पहुंचा, तब वहां मरीज का पहले इलाज नहीं कर परिजन से ही तबीयत खराब होने का कारण डॉक्टरों के द्वारा काफी देर तक पूछा गया। वही मृतका के भाई ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन का इलाज तुरंत नहीं शुरू किया गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर भाई के द्वारा अस्पताल के बाहर घंटों हंगामा किया। वहीं इस मसले पर अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि बच्ची की मौत पहले हो चुकी थी। वहीं हंगामे के बाद बरारी पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मृतका के भाई से पूछताछ कर रही है। आने दीजिए अभी मम्मी। सबसे पहले 2007 में इसका बॉडी यहाँ दिखाया गया, बोला आपका बीमारी ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ये जवाब दिया है मेरे पास A to Z। हम बाहर रहते हैं, बेंगलोर रहते हैं, हम प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। आज आए जब तक इसका ऑक्सीजन लेवल तेज था, आते आते गेट पे इसको भर्ती किए। 5 मिनट से 10 मिनट वो बात करते रहा, होता क्या है, हुआ क्या है। अरे पूछो गैर माधर चौध, जब इसको हुआ है इमरजेंसी में तबीयत लगाए ना, तब तक तुम पूछोगे तब तक जान चला गया इसका। पूछते पूछते जान चला गया, जितना जवाब देते उतना मिनट में इसका जान चला गया। कोई नहीं, डॉक्टर सामने था, कोई नहीं देखा। जब तक रूम से निकला इसका खत्म हो गया। ये बोला डेड बॉडी लाया है तुम, लापरवाही पूरा। और ये मीडिया क्या करेगा, ये तो भी अपना खुश होके पैसा कमा रहे। पैकेज इसको 20 लाख 25 लाख का पैकेज मिलता है अच्छे अच्छों को, क्या करेगा, सुन के जाइएगा। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है मैगंज में, ऐसा है क्या मैगंज, ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोग बनाएंगे। क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार। बच्ची क्या नाम था? बच्ची है फूलन देवी, फूलन कुमारी नाम है उसका। पदमपुर पोस्ट सचंडी थाना बांका जिला रजौन बांका डिस्ट्रिक्ट बिहार। नहीं, वो बच्ची मृत अवस्था में लाई गई थी और लगता है कि उसका मृत्यु जो है काफ़ी देर पहले हो चुका था, और नतीजा जो मृत्यु के बाद जो शरीर में जो परिवर्तन होता है, वो सारे परिवर्तन जो है डॉक्टरों को लगा कि ये काफ़ी देर पहले मर चुकी है, तो उन्होंने बता दिया भाई कि ये डेथ कर चुकी है। अब मरीज मानने को तैयार नहीं कि नहीं, अब डेड बॉडी को भी देखे, तो बस यही कारण है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह।